हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आज हम जानेंगे शक्तिपीठ के बारे में। शक्तिपीठ हिंदू संस्कृति की बहुत ही पवित्र जगहों में से एक है और हम जानेंगे आज इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और कैसे हुई शक्तिपीठ की स्थापना। पवित्र शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थापित है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। देवी भागवत में जहाँ 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है, वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठ की ही चर्चा की गई है। इन 51 शक्तिपीठों में से कुछ विदेश में भी है। वर्तमान समय में भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ है। आइए जानते हैं ये शक्तिपीठ कैसे बने और इनके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। देवी माता के 51 शक्तिपीठों के बनने के संदर्भ में पौराणिक कथा प्रचलित है। राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में माता जगदम्बिका ने सती के स्वरूप में जन्म लिया था और भगवान शिव से विवाह किया था। एक बार मुनियों के एक बड़े से समूह ने यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ में सारे देवताओं को बुलाया गया था। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। ये देखकर दक्ष को बेहद गुस्सा आया और उन्होंने इस अपमान का बदला लेने का सोचा। इसके लिए राजा दक्ष प्रजापति ने एक बड़े से यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने जमाए और सती के पति भगवान शिव को इस यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा। भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए। नारद जी से सती को पता चला कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया। इसे जानकर सती क्रोधित हो उठी। नारद ने उन्हें बताया कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती है। तो सती ने भगवान शिव को बताया कि मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें इनकार कर दिया। उन्हें बहुत समझाया, पर शंकर जी के रोकने पर भी जिद कर सती यज्ञ में शामिल होने चली गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से पूछा कि आपने शंकर जी को क्यों आमंत्रित नहीं किया, और पिता से उसने उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष भगवान शंकर के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। इस अपमान से पीड़ित सती ने यज्ञ कुंड में कूद कर अपने प्राण की आहुति दे दी। जब भगवान शंकर को ये बात का पता चला तो उनको बहुत क्रोध आया और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। सर्वत्र प्रलय और हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवताओं को शिव की निंदा सुनने की भी सजा दी। भगवान शिव ने यज्ञ कुंड में से सती के पार्थिव शरीर को निकाला और कंधे पर उठा लिया। फिर वो दुखी होकर संपूर्ण भूमंडल पर भ्रमण करने लगे। भगवान सती ने अंतरिक्ष में शिव को दर्शन दिए और कहा कि जिस जिस स्थान पर उनके शरीर के अंग विभक्त होकर गिरेंगे, वहां महाशक्ति पीठ का उदय होगा। सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर विचरण करते हुए त्रांडव नृत्य भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत तीनों लोगों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराते गए। जब जब शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते, विष्णु अपने चक्र से सती शरीर का कोई अंग काट कर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार इस प्रकार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े, उन्होंने धारण किए गए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आया। इस तरह कुल 51 स्थानों में माता के शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने हिमवान राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। तो ये है शक्तिपीठों की पौराणिक कथा, जिसके अनुसार पूरे भारत में, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में 51 जगहों पर माता के शक्तिपीठ है। तो आपको कैसी लगी ये शक्तिपीठ के बारे में जानकारी, आप जरूर बताएगा। फिर हम दोबारा एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे आपको, जिनमें हम दिखाएंगे कि ये पूरी 51 शक्तिपीठ कहाँ कहाँ पे मौजूद है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ।